एम स्टॉक और कोटक नियो, ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होगा। ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों को जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जब आप इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर ब्रोकरेज मिल जाता है। इस वजह से काफी सारे नए कस्टमर इन दोनों ब्रोकर के साथ में जा रहे हैं ताकि वो लोगों को कोई भी ब्रोकरेज देना ना पड़े। लेकिन वो लोग जब इन दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में ट्रेड करते हैं तो वो लोग ब्रोकरेज से तो बच जाते हैं, मतलब उन लोग को ब्रोकरेज तो देना नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर में काफी बार सर्वर डाउन रहता है, काफी बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग का जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो लोगों के पैसे होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। और आप लोग मेरे को काफी ज्यादा कमेंट करते हो इन दोनों एप्लीकेशन के बीच कंपैरिजन वीडियो लाने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग इन दोनों एप्लीकेशन के बीच एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो करेंगे। चार्जेस वगैरह आपको नहीं बताऊंगा, जो भी एक्चुअल पॉइंट्स आपको ट्रेडिंग के अंदर में यूज होते हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे। और साथ ही अगर आप लोग इन दोनों का एप्लीकेशन यूज करते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर में, तो इन दोनों का कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली एक्सपायरी डे के अंदर में मैं एम स्टॉक के अंदर में ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था, एंड वहां पे एप्लीकेशन के सर्वर डाउन की वजह से मेरे को लॉस उठाना पड़ गया था, एंड काफी बार कोटक नियो के ऊपर भी मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो इसके रिलेटेड मैंने एम स्टॉक और कोटक नियो इन दोनों को कस्टमर केयर को कॉल किया, एंड साथ ही मैंने इन दोनों कंपनी को मेल भी किया था। मेल का रिप्लाई तो मुझे नहीं मिला, बट मैंने जब इन दोनों कंपनी के कस्टमर केयर से बात किया एंड उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो वो लोगों ने मेरे को आंसर दिया कि काफी सारे नए कस्टमर इन दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कंपनी के ऊपर में आपको सर्वर डाउन मिल जाती है काफी बार, बट कोई भी सही इन्फॉर्मेशन मेरे को दोनों कंपनी की तरफ से नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों एप्लीकेशन का अपना एक्सपीरियंस तो आपको बता दिया, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों एप्लीकेशन के ऊपर में बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो ये दोनों कंपनी का एप्लीकेशन यूज करने के बाद में मेरे को यहाँ पर जो कोटक नियो का एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लोग मोबाइल के अंदर में ट्रेड करते हो तो आप लोग कोटक नियो के साथ में जा सकते हो, लेकिन वहीं अगर आपके पास में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप लोग एम स्टॉक को वेब के अंदर में यूज करो, एम स्टॉक वेबसाइट के ऊपर में ठीक ठाक सा काम कर देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को काफी बार सर्वर डाउन मिल जाएगा दोनों ही एप्लीकेशन के ऊपर में, और हो सकता है कि ये दोनों कंपनी धीरे धीरे करके इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और आप लोग कभी भी एक एप्लीकेशन का यूज ना किया करो ट्रेडिंग में, आप लोग हमेशा दो या फिर दो से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखा करो, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर एक एप्लीकेशन के ऊपर में प्रॉब्लम है तो आप दूसरा डीमैट एप्लीकेशन यूज कर सकते हो।